आप सबको प्राण प्रतिष्ठा की बहुत बहुत बधाई हो। कोटि लक्ष्य व्रत नियम तिथि साध संग में होए, विषम व्याधि सब मिटत है, शांति रूप सुख जोए। गुरु चरणों में सादर नमन करते हुए आप सबको जय जिनेन्द्र। मैं मोना बिरला आपकी इस पावन सफर की साथी आप सबका भांडवपुर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो आइए शुरुआत करते हैं प्रतिष्ठोत्सव के 15वें दिन दिनांक 19 फरवरी की खबरों से। पटरद्वय की निशा में ऐतिहासिक भव्यातिभव्य प्रतिष्ठा संपन्न, महातीर्थ में आस्था श्रद्धा एवं समर्पण का समंदर लहराया। श्री भांडवपुर महातीर्थ में तत्वत्रयी प्रतिष्ठोत्सव का आयोजन पुण्य सम्राट श्री जयसेन सुरेश्वर जी मरासा के पटधरद्वय गच्छाधिपति श्री नित्य सेन सुरेश्वर जी एवं भांडवपुर तीर्थोद्धारक आचार्य देव श्री जयरत्न सुरेश्वर जी मरासा आदि विशाल श्रमण श्रमणी वृंद की शुभ निशा में विविध धार्मिक एवं सांस्कृतिक आयोजनों के साथ दिनांक 5 फरवरी से 20 फरवरी 2024 तक आयोजित किया जा रहा है। मीडिया प्रभारी कुलदीप प्रियदर्शी ने जानकारी देते हुए बताया कि महोत्सव के 15वें दिन दिनांक 19 फरवरी 2024 को प्रातः भगवान भास्कर की प्रथम किरण के साथ ही श्री महावीर बावन जिनालय, श्री वर्धमान राजेंद्र जैनागम मंदिर, श्री शाश्वत जिन चैत्य, श्री गणधर पूर्वाचार्य मंदिर, श्री राजेंद्र सूरी मंदिर, पुण्य सम्राट श्री जयंत सेन सूरी समाधि मंदिर, श्री शांति विजय समाधि मंदिर आदि 105 बिंबों की प्रतिष्ठा निर्मित तीर्थ परिसर में गुरु भक्तों का अथाह समंदर लहराने लगा। तीर्थ परिसर में प्रतिष्ठा निर्मित शुभ मुहूर्त में प्रभु एवं गुरु प्रतिष्ठा के साथ शिखर पर ध्वजा दंड कलश स्थापन आदि के लाभार्थी परिवार अपने स्थान पर पहुंच गए। गच्छाधिपति श्री नित्य सेन सूरी जी एवं आचार्य देव श्री जयरत्न सूरी जी महाराज की निश्रा में अंतर्राष्ट्र विधिकारक श्री सत्य विजय जी हरण के मंत्रोच्चार के साथ प्रतिष्ठा की विधि कराई गई। जैसे ही प्रतिष्ठा की शुभ घड़ी आई तो डंका बजते ही सभी लाभार्थियों ने यथास्थान एक साथ प्रतिष्ठा संपन्न की तो तीर्थ परिसर में हजारों गुरु भक्तों ने वीर प्रभु एवं गुरुओं का जय घोष करते हुए वातावरण को गुंजायमान करते हुए ढोल की थाप पर नृत्य शुरू कर दिया। विभिन्न नृत्य मंडलियां सभी को आकर्षित कर रही थी तो पंजाब बैंड सुमधुर लहरियों के साथ अपने कर्तव्य भी दिखा रहा था। तीर्थ का दृश्य अलौकिक और अवर्णनीय हो गया। भव्य प्रतिष्ठा के पश्चात क्षत्रिय कुंड नगरी में धर्म सभा का आयोजन हुआ। गच्छाधिपति श्री नित्य सिंह सूरी जी महाराज ने मंगलाचरण करते हुए कहा कि समाज के लोगों में संगठन नहीं होगा तब तक आप सफल नहीं हो पाएंगे। हम दोनों पटधरद्वय मिलकर ही सब कार्य पूरे करेंगे। आज भांडवपुर की स्मृति भारत ही नहीं देश विदेश में भी इसकी गौरव गाथा कह रही है। हम दोनों का नाम था परंतु पुण्य सम्राट के पायलट कार्यदक्ष मुनिराज श्री आनंद विजय जी ने पूरी प्रतिष्ठा में अपनी प्रतिभा का परिचय देते हुए सभी कार्य संपन्न किए जिससे यह प्रतिष्ठा सानंद संपन्न हुई और इसकी सभी को प्रसन्नता है। खरतर गच्छीय आचार्य श्री मनोज्ञ सागर जी महाराज ने कहा कि मैं श्री जयरत्न सूरी जी के अतुल प्रेम और अतुल आत्मीयता के कारण इस प्रतिष्ठा में आने का योग बना पाया। आपकी कड़ी मेहनत एवं पुरुषार्थ के कारण ही इस तीर्थ की जाहो जलाली देखकर मेरा मन गदगद हो गया। प्रतिष्ठा की जाहो जलाली देखकर मैं एवं आचार्य श्री जिनमणि प्रभ सागर जी के साथ समस्त खरतर गच्छ की ओर से द्वय आचार्यों को बधाई देता हूँ। इस तीर्थ का जो दिव्य एवं भव्य रूप बना है उसमें आचार्य श्री की संयम साधना एवं श्री शांति विजय जी द्वारा बोए बीज को सिंचित कर इस तीर्थ को भव्य रूप प्रदान किया वह श्री जयरत्न सूरी जी के पुरुषार्थ का ही कमाल है। भांडवपुर तीर्थोद्धारक आचार्य श्री जयरत्न सूरी जी महाराज ने कहा कि आप सभी के पुण्य से यह कार्य निर्विघ्न हुआ है और मुझे यश नहीं देना है। मेरी अब यही भावना है कि त्रिस्तुतिक संघ समुदाय के प्रत्येक साधु साध्वी को पढ़ाकर योग्य बनावे। मेरी एक आंख में पुण्य सम्राट एवं दूसरी में योगी राज है और उनके सहयोग से ही यह कार्य सफल हुआ तो मेरा जीवन धन्य हो गया। त्रिस्तुतिक गच्छ के सभी आचार्य हम दोनों के कार्यों में साथ है। श्री सौधर्म बृहत्तपो गच्छ त्रिस्तुतिक जैन संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष
श्री वागजी भाई बोहेरा ने पटधरद्वय को भांडवपुर चातुर्मास करने की विनंती सकल संघ की ओर से करते हुए कहा कि जैन जगत के इतिहास में भांडवपुर महातीर्थ का एक स्वर्णिम पृष्ठ आज अंकित हुआ है। हमें जो असंभव कार्य दिख रहा था वह कार्य आचार्य श्री ने संभव कर दिखाया। हमारा सौभाग्य है कि श्री जयरत्न सूरी जी दीर्घ दृष्टि वाले गुरु की छत्र छाया हम सबके ऊपर है, क्योंकि जंगल में मंगल करने का कार्य ऐसे ही गुरु कर सकते हैं। यह प्रतिष्ठा अकथनीय और अकल्पनीय हुई है। प्रतिष्ठोत्सव में आज नाहर चैरिटेबल ट्रस्ट के श्री सुखराज नाहर, मूलचंद जी छाजेड़ नाकोड़ा जैन तीर्थ के अध्यक्ष श्री रमेश जी मूथा, श्री आदिनाथ राजेंद्र जैन ट्रस्ट मोहन खेड़ा के ट्रस्टी श्री पृथ्वीराज जी कोठारी, सुजानमल जी सेठ नवकार 68 जिनाले के ट्रस्टी श्री बाबूलाल जी, भरतपुर तीर्थ के ट्रस्टी श्रीमती बसंती देवी किशोरमल जी खिमावत, श्रीमती पवनी देवी लुंकड़ 72 जिनाले भीनमाल, मूलचंद जी चौधरी, सिद्धार्थ जी कश्यप, जीव दया प्रेमी पॉलीकेब इंडिया लिमिटेड के CMD इंद्र भाई जयसिंघानी, उद्योगपति अशोक बागला, रणजीत लड्डा आदि अनेक गणमान्य पधारे। गच्छाधिपति श्री ने मुमुक्षु यक्षा संजय भाई बल्लू थरात सूरत एवं मुमुक्षु भरत भाई सेठ थरात अहमदाबाद को दीक्षा का मुहूर्त प्रदान किया। दोनों मुमुक्षु की दीक्षा 3 मई 2024 को श्री संखेश्वर महातीर्थ में होगी। श्री महावीर जैन श्वेतांबर पेढ़ी श्री वर्धमान राजेंद्र जैन भाग्योदय ट्रस्ट श्री तत्व त्रयी प्रतिष्ठा महोत्सव समिति के द्वारा संपादित प्रतिष्ठोत्सव में अनेक प्रशासनिक सामाजिक गणमान्य पदाधिकारियों का भी आगमन हुआ। प्रतिष्ठा के अंतिम दिन शाही करबा श्रीमती विजुदेवी भवरलाल जी बालगोदा मैंगलवा की ओर से एवं फले चुंदड़ी संघवी शाह कुंदनमन जी गाड़ू जी बालगोदा मैंगलवा की ओर से की गयी। दोपहर में श्री शांति स्नात्र महापूजन संघवी श्रीमती सीता देवी मांगीलाल जी रिखब चंद जी कब्दी सायला की ओर से पढ़ाई गई। आयोजन में लाभार्थी परिवार की ओर से प्रभावना शाह हस्तीमल जी भगुता जी पालगोता चौहान सुराना की ओर से परमात्मा एवं गुरु प्रतिमाओं की नयनाभिराम अंगरचना शाह सागरमल जी पीरचंद जी बाफना पांथेड़ की ओर से एवं प्रभु भक्ति और रोशनी शाह रमेश कुमार जी दरकचंद जी विसाणी पोषाणा की ओर से हुई। प्रतिष्ठोत्सव में एक्मे IT सॉल्यूशन जोधपुर द्वारा इंटरनेशनल मैनेजमेंट किया गया। तो ये था 15वें दिन का विवरण। अब जाने से पहले एक बार नजर 16वें दिन पे होने वाले आयोजनों पर। महोत्सव 16वें दिन दिनांक 20 फरवरी 2024 को तीर्थ परिसर में नूतन मंदिरों का द्वारा उद्घाटन लाभार्थी परिवारों के द्वारा किया जाएगा। श्री 70 भेदी पूजा लाभार्थी परिवार की ओर से पढ़ाई जाएगी। दोपहर में श्री शांति विजय जी अष्ट प्रकारी पूजा विविध राग रागिनियों में संगीत के साथ लाभार्थी परिवार द्वारा पढ़ाई जाएगी। प्रातः की नवकारसी माला से बहुमान लाभार्थी की ओर से, दोपहर की नवकारसी श्रीफल से बहुमान के लाभार्थी की ओर से एवं साय की नवकारसी मोमेंटो से बहुमान के लाभार्थी परिवार की ओर से होगी। आयोजन में लाभार्थी परिवार की ओर से प्रभावना परमात्मा एवं गुरु प्रतिमाओं की नयनाभिराम अंगरचना एवं प्रभु भक्ति और रोशनी भी होगी। गुरु है सब देवन को देवा, गुरु की को न जानस भेवा, करुणा सागर कृपा निधाना, गुरु है ब्रह्म रूप भगवाना। तो आज का हमारा सफर यहीं तक। तीर्थोद्धारक आचार्य देव श्री जयरत्न सुरेश्वर जी मरासा की प्रेरणा से चल रहे भांडवपुर YouTube चैनल पर एक्मे IT सॉल्यूशन जोधपुर की कोऑर्डिनेशन में नाकोड़ा स्टूडियो भीनमाल की वीडियो फुटेज के साथ मैं मोना बिरला आज के लिए लेती हूँ आपसे इजाजत। हम कल फिर मिलेंगे नई ऊर्जा, नई उमंग और नई खबरों के साथ। तब तक आप बने रहिए भांडवपुर YouTube चैनल के साथ और देखना ना भूलिए तीर्थ के लाइव प्रोग्राम। जय जिनेंद्र।